हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार, मैथ बाय नरेजिसर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज फिर से हम एमएससी प्रवेश, जिसके अंदर हमारे पास पेपर फिफ्थ चल रहा है मैकेनिक्स ही, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर 13 है। और इस पेपर के लिए हमारे पास बुक कौन सा है, डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, जो JPH की बुक है। देखो, आज हमारे पास इस लेक्चर 13 के अंदर पेज 87 के ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पढ़िए एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि ए बेंट लीवर वॉज आर्म्स आर ऑफ लेंथ ए एंड बी, द एंगल बिटवीन देम एल्फा, एंगल बिटवीन देम एल्फा मेक स्मॉल ऑसिलेशन इन इट्स ऑन प्लेट अबाउट द फुलक्रम, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग सिंपल पेंडुलम इज। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले समझिए कि आपके पास एक तो बेंट लीवर होता है। बेंट लीवर होती है एक ही मुड़ी हुई शेप, जैसे एक एक अपने घर पे चिमटा होता है ना, जैसे अपने जो खाना वगैरह बनाते हैं वो चिमटा होता है कुछ ऐसा, वो हमारे पास क्या हुआ है, मुड़ी हुई शेप। फिर एक वर्ड आता है हमारे पास फुलक्रम। फुलक्रम ऐसे होता है जैसे मान लो कोई ट्राइंगल जैसी एक शेप रख ली हमने, ठीक है, और इसके ऊपर मान लो मैं इसके ऊपर स्केल रख रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक ट्राइंगल जैसी शेप है और इसके ऊपर मैं स्केल रख रहा हूँ। तो मान लो इसके ऊपर मैं कोई ऐसा लीवर रख रहा हूँ जो ऐसे स्मॉल ओसिलेशन करे, जैसे ऐसे समझो आप इसके ऊपर ये हमारे पास यहाँ से कुछ ही मुड़ा हुआ है, यहाँ हमारे पास कुछ ही मुड़ा हुआ है, या यहाँ पर आप लोड बोल सकते हो, इसके ऊपर वजन रख दिया, तो ये इस पर क्या होगा, ओसिलेट करेगा। तो इसको तो क्या बोलते हैं हम, फुलक्रम। इसको तो हम क्या बोलते हैं, फुलक्रम। और ये जो शेप होती है, ये जो शेप होती है, ये हमारे पास क्या होती है, बेंट लीवर होती है। या फिर आप बेंट लीवर को ऐसे समझो जैसे अपने घर पे मकान वगैरह बनते हैं तो जो मजदूर जो ईंट वगैरह लेके जाते हैं, एक टायर की सी गाड़ी होती है, देखो एक टायर की सी गाड़ी होती है जिसके अंदर वो डाल के और उसके हैंडल लगा हुआ होता है, वो हैंडल क्या होता है, इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, एक बेंट लीवर या एक लीवर का काम करेगा। आप तो ऐसे समझेंगे बस, ये जो हमारे पास खाना बनाने के लिए जो अपन चिमटा यूज में लेते हैं वही हमारे पास क्या है, एक प्रकार से बेंट लीवर है। ये अलग बात है कि ये बराबर मुड़ा हुआ, इसे अपन हाफ मोड़ लेते हैं, इसे अपन क्या कर लेते हैं, हाफ मोड़ लेते हैं। फुलक्रम हमारे पास ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई भी थिंग्स वगैरह ऑब्जेक्ट रखें तो वैसे हिलने डुलने लग जाए, मतलब गिरे भी ना वो। जैसे मान लो एक बार मैं मान के चल रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, फुलक्रम है, और ये हमारे पास बेंट लीवर है, तो आपको इस हिसाब से इसके ऊपर एडजस्ट करना है ताकि ये थोड़ा थोड़ा हिलता रहे, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, फुलक्रम, मतलब पूरा गिरे भी नहीं। तो उस टाइम को ये जो ओसिलेट करेगा, इसे एक स्मॉल ओसिलेशन, देखो बहुत ही थोड़ी देर के लिए स्मॉल ओसिलेशन होगा क्योंकि इसके बाद 100% इसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट गिरेगा। देखो इसके ऊपर जैसे मान लो फिर से अगर ये हमारे पास फुलक्रम है, देखो अगर ये हमारे पास फुलक्रम है, कोई भी स्केल्स वगैरह प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, मान लो ये ही हमारे पास क्या है, फुलक्रम है। इसको फुलक्रम बनाने के लिए मैं कुछ ऐसे निकाल लेता हूँ इसकी शेप, ये लो, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये हमारे पास एक फुलक्रम है जो ऊपर से क्या है, मुड़ा हुआ है। अब इसी को मैं इसके ऊपर रखने की कोशिश करूँगा, अब इसी को मैं इस फुलक्रम के ऊपर रखने की कोशिश करूँगा, तो ये देखो हमारे पास रखते ही साथ पहले तो ऐसे करेगी, ये थोड़ी देर के लिए तो ऐसे करेगी, फिर बिल आराम फिर गिरेगी। क्यों गिरेगी, क्योंकि इसके ऊपर तो चलो मेरे हाथ में तो ये अलग चीज़ है, फुलक्रम बिल्कुल ऐसे होता है कॉर्नर जैसा, ये हमारे पास क्या होता है, फुलक्रम होता है। अब आप देखिए इस कोने के ऊपर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो हिलेगा, वो हिल के इस प्रकार की शेप में आएगा, इस प्रकार की शेप में आएगा, मतलब ऐसे ऊपर नीचे हिलेगा और किसी एक डायरेक्शन से में वो 100% गिरेगा। तो जो ओसिलेशन होगा वो बिल्कुल स्मॉल ओसिलेशन होगा, मतलब चंद सेकंड के लिए, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए, बस इससे ज़्यादा ओसिलेशन इसके ऊपर नहीं होगा क्योंकि फुलक्रम के ऊपर कोई चीज़ टिक ही नहीं पाएगी, तो कितनी देर तक ऐसे ऐसे करती रहेगी। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हो गया। अब हमारे पास ये बेंट लीवर, बेंट लीवर को आप ऐसे समझ लो कि यही हमारे पास क्या है, बेंट लीवर है, यही हमारे पास इसका क्या है, बेंट लीवर है। तो स्टार्टिंग में मैं बात करूं तो ये मेरे पास बेंट लीवर है, इसे मैं ऐसे मान के चलता हूं, यही हमारे पास क्या है, बेंट लीवर है। इसे थोड़ा और अब अच्छे से देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक मुड़ी हुई शेप है, ठीक है। अब ये ओसिलेट करेगी इस प्रकार से,
ध्यान देना, अभी हमारे पास ऑसिलेट करेगी इस प्रकार से, या आप यहाँ अपना चिमटा काम में ले सकते हैं जो भी आप खाना वगैरह बनाते हैं उसको देख के, ठीक है। तो अपन मान के चलेंगे ये हमारे पास क्या है, फुलक्रम है, ये हमारे पास क्या है, एक सॉरी बेंटलीवर है, और ये इसके ऊपर रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद ऑसिलेशंस करने के पश्चात ये गिर जाएगा। अब मैं इसे डायग्राम में बनाता हूँ, यहाँ हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आप ऐसे कर लो, इसको डायग्राम में केवल समझो एक बार, फिर में मत बनाना, कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स डैश एक्सिस, और ये हमारे पास वाई डैश एक्सिस है, और ये मेरे पास फुलक्रम है। देखो ये मेरे पास फुलक्रम है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, मतलब ये मेरे पास एक फुलक्रम है जो यहाँ ऐसे रखा हुआ है, ये लो, ये फुलक्रम मेरे पास इस प्रकार से एक चिमटे जैसी शेप में रखा हुआ है। तो 100% इसकी कोई लेंथ होगी, ये लेंथ हमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ए बेंट लीवर वॉज आर्म, ये बेंट लीवर की क्या होगी, भुजा होगी। ए बेंट लीवर वॉज आर्म्स आर ऑफ लेंथ ए एंड बी, माना ये तो हमारे पास लेंथ कितनी है, ए है, देखो ये तो हमारे पास लेंथ ए है, और दूसरे वाले बेंट लीवर की भुजा क्या है, बी है। तो ए बेंट लीवर वॉज आर्म्स आर ऑफ लेंथ ए एंड बी, एंगल बिटवीन देम बींग एल्फा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एल्फा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एल्फा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेंट लीवर, अब आप इसे भूल जाइए एक बार, अब इसे आप भूल जाइए, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ए बेंट लीवर वॉज आर्म्स आर ऑफ लेंथ ए एंड आर्म्स ऑफ आर लेंथ बी, मेक एन एंगल बिटवीन देम एल्फा। अब ये एक मेक स्मॉल ऑसिलेशन करेगा इट इन ऑन्स प्लेन, समय के प्लेन के ऊपर, किसके ऊपर रखेंगे, द फलक्रम के ऊपर। अब इस सिस्टम को या इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं किसके ऊपर रखूंगा, इस फलक्रम के ऊपर रखूंगा, मैं इसको सिस्टम को उठा के क्या करूंगा, इस फलक्रम के ऊपर रखूंगा, ये बिल्कुल भरा हुआ है अंदर से। अब इसके ऊपर जैसे मैं यहाँ रखूंगा, अब देखो मैं ऐसे रखूंगा तो ये तुरंत मेरे पास ऐसे आ जाएगा, कुछ देर के लिए क्या करेगा, ये ऐसे स्मॉल ऑसिलेशंस करेगा, देखो कुछ देर के लिए हमारे पास एक सेकंड दो सेकंड के लिए करेगा और नीचे गिर जाएगा, मतलब ये बिल्कुल शेप बिगड़ जाएगी इसकी, और ये शेप आ जाएगी हमारे पास कुछ ऐसी, ये शेप आ जाएगी हमारे पास कुछ ऐसी, ये वाई डैश है, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास ए है, और ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास बी है, ये लेंथ हमारे पास बी है, और ये लेंथ हमारे पास ए है, और इनके बीच में एंगल एल्फा है। देखो सपोज करो इसको मैंने पकड़ के हल्के से ऐसे मोमेंट कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ऐसे आ गया। तो देख लो चाहिए हमारे पास ये बेंट लीवर रखा हुआ है, ये रहा ये हमारे पास बेंट लीवर, पहले तो ये इस प्रकार की शेप में था, पहले तो ये हमारे पास है यहाँ देखो इस प्रकार की शेप में था, अब ये चेंज होके ऐसे आ गया, मतलब ओसिलेट करके ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये वाई एक्स आ जाएगी हमारे पास है इधर। तो केवल समझने के लिए ये था कि फुलक्रम पे रखने की वजह से, बस फुलक्रम वर्ड का काम कितना है कि बिल्कुल स्मॉल ओसिलेशन करेगा, फुलक्रम नहीं होता तो ये ओसिलेशन करता रहता। जैसे मान लो आपके पास आधा सर्किल है, सोचो आपके पास आधा सर्किल है और आपने इसके ऊपर रखा और इसको ऐसे हिला के छोड़ दिया, तो काफ़ी देर तक ये क्या करेगा, जैसे अपने कटोरी वगैरह हिलती रहेगी, इस प्रकार से ऑसिलेटें करती रहेगी। बट फुलक्रम है वो हमारे पास बिल्कुल एक सेकंड दो सेकंड एक स्मॉल टाइम के लिए ऑसिलेशन होगा, ओके। तो एक तो ये समझने वाली बात थी कि हमारे पास बेंट लीवर और फुलक्रम का वर्ड से मतलब क्या है। अब आप इसका डायग्राम बनाइए और इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे और हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑसिलेट वाला डायग्राम बनाना है। तो ऑसिलेट वाला डायग्राम आप किस प्रकार बनाओगे कि ये हमारे पास पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है हमारे पास एक्स एक्सिस, देखो ये पॉइंट है हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट है सॉरी ये लाइन है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि आप मैं इसे डैश 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 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा ये एक्स ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है, यहाँ ऐसे फुलक्रम रखा हुआ था एल्फा एंगल के ऊपर, अब ये ऐसे गिरा तो ये वाई डैश आ गया, तो डैश वाली लाइन को तो अपन लिख देंगे डैश डैश से,
डैश डैश से, और एक्स और वाई को लिख देंगे डार्क से, और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब आपने यहाँ इसके ऊपर बेंट लीवर रखा, तो ये बेंट लीवर आ गया मेरे पास ही, मान लो यहाँ तक की शेप है इसकी, ठीक है, और दूसरा शेप इसका ये है, दूसरा शेप इसका ये है। मान लिया कि इसकी लेंथ एक आर्म तो OA है और दूसरी इसकी आर्म क्या है, OB है, ठीक है, दूसरा इसका क्या है, OB है। अब बताइए एक लेंथ इसका है, इसका कोई ना कोई वेट होगा, ये चलो वेट छोड़ो एक बार, पहले इतना ही समझो, यहाँ हमारे पास ये टोटल लेंथ कितनी है, A है, और इसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, B है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, बी है, एंगल दोनों के बीच में क्या है, एल्फा है, एंगल दोनों के बीच में क्या है, एल्फा है, और ये ओसिलेट करके इस शेप के अंदर आया है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं सबसे पहले कि लेट अस कंसीडर ए, अब यहाँ हम बोलेंगे लैंग्वेज के अंदर कि हमने एक बेंट लीवर लिया, तो सबसे पहले बोलेंगे लेट अस कंसीडर ए बेंट लीवर वॉज आर्म ऑफ लेंथ ए एंड आर्म ऑफ लेंथ बी, ऐसे लिखो, फिर साथ साथ समझो कि अब ये जो हमारे पास फुलक्रम है, ये जो इसकी आरम है भुजा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो G1 आ गया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो G1 आ गया, तो ये इसका वेट होगा, इसका हमने मान लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2 आ गया, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने क्या मान लिया, G2 आ गया। मैं थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाऊंगा क्योंकि आगे कुछ और बातें भी इधर क्लियर करनी है, तो आप मिटाना मत इसे। ये हमारे पास है अक्ष एक्सिस, ये हमारे पास अक्ष एक्सिस है, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारे पास है ये ए, और मैं लिख लूँगा इधर कि मेरे पास है ओ ए की लेंथ है ए, ओ बी की लेंथ है हमारे पास है, ओ ए की लेंथ है ए, ओ बी की लेंथ है हमारे पास बी, ओ बी की लेंथ है हमारे पास बी, ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी। एंगल है इन दोनों के बीच में एल्फा, एंगल है इन दोनों के बीच में एल्फा, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एल्फा। अब देखिए ये जो आर्म है, ये जो आर्म है इसका हमने ले लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1, इसका बीच में से ले लो, इसका हमने ले लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1, ठीक है। अब ये ए यहाँ से हटा रहा हूँ, आप समझ जाना कि ये हमारे पास ओ ए क्या है ए, और ओ बी की लेंथ क्या है बी, क्योंकि डायग्राम में लिखेंगे फिर डायग्राम उलझ जाएगा। अब ये G1 लेंथ है तो इसका वेट नीचे की ओर, इसके लिए हमने माना कि ये हमारे पास है G2, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये इसका वेट, ये आ जाएगा इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि मान लो ये मेरे पास मार्कर है, एक मेरे पास मार्कर इस प्रकार से है और दूसरा मेरे पास मार्कर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, दूसरा मेरे पास मार्कर इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पिन जैसी शेप या चिमटे जैसी शेप आ गई, और यही हमारे पास क्या है, बेंट लीवर है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, बेंट लीवर है। अब हमने इसको क्या किया, इस प्रकार से छोड़ दिया, तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया, दोनों के बीच में एंगल क्या है, एल्फा है। एक भुजा तो मेरे पास ये है और दूसरी भुजा मेरे पास है ये है, बताओ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगेगा, जी ठीक इसके बीचों बीच। अरे भाई इसका वेट कहाँ लगेगा, ठीक इसके बीचों बीच ही, और इसका वेट कहाँ लगेगा, ठीक इसके बीचों बीच, है ना। तो हमारे पास ओ से लेके जी तक की दूरी कितनी हो गई, आप तो ये बता दो, ओ से लेके जी तक की दूरी कितनी हो गई, हाफ हो गई, और ओ से लेके जी टू तक की दूरी कितनी आ गई, ये भी हमारे पास है हाफ हो गई, यानी डिस्टेंस है हमारे पास है ओ जी वन ए बाई टू, और डिस्टेंस है हमारे पास है ओ जी टू बी बाई टू। ध्यान से देखो, ये हमारे पास बेंट लीवर की एक भुजा है जिसका ठीक बीचों बीच सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 लगा है, तो इसके आधी डिस्टेंस तो ए की हाफ डिस्टेंस ए बाई टू, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी हाफ डिस्टेंस से बी बाई टू। अब इसका वेट नीचे की ओर है और हमारे पास इसका वेट भी नीचे की ओर है, ठीक है। तो अपने सबसे पहले लिखेंगे कि एक तो ये G1 ग्रेविटी आ गई और एक ये G2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गई। तो सबसे पहले आपको इसकी लैंग्वेज में लिखना है, देखो प्रूफ लगा के सबसे पहले अपने को लैंग्वेज में लिखना है। समझ में आ गया ना कि बेंट लीवर दो मार्कर की इस प्रकार की शेप, जैसे मेरी अंगुली दिख रही है, ये भुजा ए है ये भुजा बी है, फिर ये चेंज होके ऐसे आ गई, ये चेंज होके मेरे पास ऐसे आ गई।
किसकी वजह से? फुलक्रम की वजह से, ठीक है। फुलक्रम की वजह से हमारे पास जो ऑसिलेशन होगा वो बिल्कुल स्मॉल ऑसिलेशन, एक सेकंड दो सेकंड के लिए होगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया कि लेट जी वन एंड जी टू, लेट कैपिटल जी वन एंड जी टू बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी द सेंटर ऑफ, बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सीजी लिख सकते हो, किसकी? भुजा ऑफ आर्म, ऑफ आर्म्स, कौन कौन सी आर्म्स हैं? एक तो ओ ए इज इक्वल टू ए, एक तो है हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू ए, एंड दूसरी है हमारे पास ओ बी इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास आर्म्स ओ ए इज इक्वल टू ए और ओ बी इज इक्वल टू बी, किसकी है भैया? ऑफ द बेंट लीवर, ऑफ द बेंट लीवर। तो ये हमारे पास है बेंट लीवर की क्या आ गई? दो भुजा आ गई, ए एंड बी, ओके। इसके बाद देखो हमारे पास, ये हमारे पास लेंथ काम में ले ली हमने ए और लेंथ काम में ले ली हमने बी। अब एक तो एंगल बनाता था, एंगल बिटवीन देम, तो अपन क्या लिखेंगे? अलोंग एंड या बेंट लीवर डायरेक्ट बोल देना, वॉज एंगल बिटवीन देम, वॉज या ऐसे लिख देना बेंट लीवर तक। तो ये हमने लिख लिया ए बेंट लीवर जिसकी भुजा हमने लेंथ ए ले ली एंड बी ले ली, द एंगल बिटवीन देम, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख देना कि द एंगल बिटवीन देम, द एंगल बिटवीन देम बीइंग अल्फा, बीइंग अल्फा आई ई एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू अल्फा, आई ई एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। एक हमने ये दर्शा दिया इसका एंगल अल्फा है। अब अपने को क्या करना है, इसके ये जो बेंट लीवर है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और हमारे पास इस G2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखो अब लिखेंगे अगेन लेटस कंसीडर, पहले लैंग्वेज लिखो, क्यों लिखेंगे वो भी बताएंगे। अगेन लेटस कंसीडर, अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि इसके अंदर अपने को करना क्या है ना भाई, अभी तक अपने को ये नहीं पता चला कि एक्चुअली आपको करना क्या है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, फिर से कुछ माने उससे पहले, देखो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज थी वो यहाँ तक हमने काम में ले ली है, टू द एंगल इन इट्स ऑन प्लेन अबाउट द फुलक्रम, ठीक है। ये सब फुलक्रम पे लेने की वजह से ये हमारे पास स्मॉल ऑसिलेशन से हुआ है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चंस दे रखा था फुलक्रम रखने की वजह से ये बेंट लीवर इस प्रकार से आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी वन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी टू, इसकी लेंथ ए बाई टू, इसकी लेंथ है बी बाई टू। अब अपने को क्या करना है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ करस्पोंडिंग सिंपल एंड पेंडुलम। तो हम लिखेंगे नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, देखो लिख ही लो ताकि पता चले अपन को करना क्या है। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, Now here we have to show that the length of the corresponding simple pendulum, the length of the corresponding simple pendulum i.e. अब ये बताइए मेरे पास सिंपल पेंडुलम की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से, सिंपल पेंडुलम की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप प्रीवियस लेक्चर उठा के देखोगे तो वो है एल इज इक्वल टू स्मॉल के स्क्वायर्स अपॉन एच। हेलो, एल इज इक्वल टू स्मॉल के स्क्वायर अपॉन एच। साथ उसके डायग्राम को भी याद रखोगे कि ये हमारे पास ओ था, ये हमारे पास जी था और ये डिस्टेंस हमारे पास एच थी, है ना। ये हमारे पास ओ था, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, ये एच था, और के हमारे पास क्या होती थी? रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि इसके जिसके अबाउट वो एक्सिस ऑफ रोटेशन था, जिसके अबाउट अबाउट ओ ए, अबाउट इसको ये नाम दे दो अबाउट ओ ए एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास पीछे की कहानी है, ठीक है। तो जब जब आपके पास क्वेश्चंस में सिंपल पेंडुलम पूछा जाए तो हमारे पास इस एक्सरसाइज 3.2 की पहचान क्या है, हमको दे दिया सिंपल पेंडुलम दे दिया। तो अपन जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ, लिख के दे रखा अगले ने कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होती है, स्मॉल के स्क्वायर बाई एच,
स्मॉल एल इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई एच, जहाँ के हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन होता है और एच हमारे पास क्या होता है उसकी ये ओ से जी की सेंटर की, मतलब जहाँ से जिस अक्ष के अबाउट ये घूम रहा है उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ, मतलब हमें प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है एल स्क्वायर एल इज इक्वल टू, अपने को प्रूफ करना है कि ये लेंथ आ जाए हमारे पास के स्क्वायर अपॉन एच इज इक्वल टू, और ये रिजल्ट आ जाए 2/3 ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपॉन रूट के अंदर ए की 4 प्लस 2a² बी स्क्वायर कॉस अल्फा प्लस बी की पावर 4। देख के लिख लेना इधर से कि हमें ऐसा प्रूफ करना है, सिंपल पेंडुलम की हमें लेंथ चाहिए और सिंपल पेंडुलम की लेंथ का मतलब क्या हो गया के स्क्वायर अपॉन एच, के स्क्वायर अपॉन एच, यानी हमें एक तो स्मॉल के निकालना है और एक हमें स्मॉल एच निकालना है। ठीक है भाई, एक तो हमें स्मॉल के निकालना है उतारते रहना साथ साथ है, और एक हमें स्मॉल एच निकालना है। अब देखो हमारे पास के और एच के लिए, के और एच के लिए, उससे पहले एक बार फिर से आप डायग्राम में आ जाइए, डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास देखिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग कि इस दो लीवर हो गई मेरे पास, बेंट लीवर के अंदर दो भुजा हो गई, एक ये वाली भुजा और दूसरी वाली ये भुजा। एक तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है G1, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है G2, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है G2। अब मैं इन दोनों का अगर एवरेज निकालूं तो पूरे बेंट लीवर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ जी, पूरे सेंटर ऑफ पूरे बेंट लीवर का ग्रेविटी क्या है जी है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, हमारे पास ये बेंट लीवर है, ध्यान से देखो ये बेंट लीवर है, एक भुजा ये जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 और दूसरी भुजा ये जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2। अब इसको बैलेंस बनाने के लिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, ठीक इसके बीचों बीच। अब इसको बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि ये भी लटक रहा है देखो ओरिजिन O से नीचे क्यों लटक रहा है, अब ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, ये इसका हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी OG। ठीक है, तो अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी OG। तो एक तो हमारे पास इसका वेट हो गया, एक हमारे पास इसका वेट हो गया, अब पूरे बेंट लीवर का वेट क्या होगा, वो हमारे पास इधर होगा, तो ये इसका क्या निकल के आ जाएगा एवरेज, तो ये आ गया हमारे पास जी। ध्यान से देखना भाई कि हमारे पास दो आर्म्स हैं, ये आर्म है हमारे पास OG1, ये हमारे पास है OG2। अब इनका दोनों का बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, आप इनको आपस में मिला सकते हो, और ये मैंने तिरछा इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, या तो मैंने समझाने के लिए ले रखा है, बेंट लीवर हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, ये मुड़ी हुई शेप है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1, इसका यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2, दोनों का बैलेंस बनाने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी, तो इसको हम O से मिलाएंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा OG हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी डायग्राम के अंदर इसे मिलाना है, डैश 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 से मिलाओगे, ये हमें फाइंड करना है OG डिस्टेंस से क्या आई। ठीक है भाई, हमें यहाँ फाइंड करना है कि हमारे पास OG डिस्टेंस से क्या आई, जबकि पूरा एंगल हमारे पास क्या है अल्फा है। ठीक है भाई, तो बस केवल इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो दूसरी बात एक और देखेंगे, अब ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इसका वेट कितना हो जाएगा, तो अपन लगाते हैं W इज इक्वल टू mg। अरे भाई वेट का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे की ओर क्या लगेगा mg। अब हमारे पास मान लिया इसके लिए m1g है, इसके लिए m2g है, और ये दोनों का मिक्स आ जाएगा m1 प्लस m2g। बट क्या, अब ये देखो हमारे पास ही वापिस से समझने की कोशिश करना, ये हमारे पास क्या है बेंट लीवर है, मतलब एक प्रकार की रोड है, ये भी रोड है और ये भी रोड है, इस रोड में क्या होगा वजन होगा, इसका वेट भार कहां लटकेगा नीचे की ओर, तो मैं इसका वेट एक बार ऐसे लिखता हूं, देखो समझना आप एक बार कि मैं इसका वेट पहले तो ऐसे लिखूंगा a into छोटा w, इसका वेट लिखूंगा b into छोटा w, और इसका वेट लिखूंगा मैं a+b into small w। समझाऊंगा मैं एक बार कि जहां W क्या है aw क्यों लिखा, एक बार मान के चलो कि ये उनका वेट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने को करना क्या है, टारगेट क्या रह गया, हमें एक तो स्मॉल के स्क्वायर निकालना है और एक h निकालना है, यानी मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाए और h की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब अपन क्या बोलेंगे कि h इज इक्वल टू OG, लेट
OG इज इक्वल टू H, लेट OG इज इक्वल टू H, भाई ये OG है हमारे पास, ये क्या होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, इस डिस्टेंस को आप H मान लो, इस डिस्टेंस को आप क्या कर लो H मान लो। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि डायग्राम को आप थोड़ा सा बड़ा बनाना कि लेट OG इज इक्वल टू H। अब OG को हम H मानेंगे, उससे पहले हमारे पास इसका डायग्राम बताइए कि हमारे पास OG डिस्टेंस कितनी आएगी। अरे हमारे पास OG डिस्टेंस कितनी आएगी, अब बताओ डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो जब आपके पास इसका कोऑर्डिनेट हो और आपके पास इसका कोऑर्डिनेट हो। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। अब ये ओरिजिन है, ये तो जीरो जीरो है, अब ये जी क्या है हमें इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता। तो सबसे पहले तो आइए हम जी के कोऑर्डिनेट का पता करते हैं, ठीक है। तो हमारे को यहाँ OG इज इक्वल टू H निकालने के लिए हमें इसकी डिस्टेंस की जरूरत पड़ी और इसकी डिस्टेंस के लिए हमको H निकालने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले लिखेंगे अगेन लेट अस कंसीडर, या फिर डायरेक्ट एरो का साइन लगा के लिख लेना कि लेट अस कंसीडर। देखो एक भी बात छुपाएंगे नहीं भाई, बिल्कुल बुक में एग्जांपल छोटा सा दिया है पर समझ में नहीं आएगा। तो अब लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर OA बीइंग अलोंग x एक्सिस, OA बीइंग अलोंग अक्स अक्सिस। देखो ये जो OA है ये तो किसके बिलोंग कर रहा है, अक्स अक्सिस, एंड परपेंडिकुलर लाइन OY एज, एंड परपेंडिकुलर लाइन, एंड परपेंडिकुलर लाइन OY एज Y अक्सिस। सबसे पहले तो ये दिखा दो कि हमारे पास ये जो OA है ये x एक्सिस के ऊपर है, ये मैं लिखना भूल गया था लैंग्वेज, आप अब लिख लो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ कोऑर्डिनेट निकालना है, वास्तव में मेरे को कोऑर्डिनेट क्या निकालना है, H चाहिए। देखो अब मेरे को H चाहिए, ये O है ये G है, इन दोनों के बीच की दूरी H है। हमें पता है मूल बिंदु ये तो जीरो जीरो है, ओरिजिन है ये तो हमारे पास ही जीरो जीरो है। अगर इस G का कोऑर्डिनेट आ जाए तो मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के, पता है ना दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगर हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालें तो वो इस प्रकार से आएगी। सवाल मेरे पास ये है, मेरे पास इस g के कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन से हमारे पास कि हमारे यहाँ g का कोऑर्डिनेट नहीं है, तो चलिए पहले तो g का कोऑर्डिनेट निकालिए। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो g हमारे पास इस वाली लाइन के ऊपर है भाई, G1 का और G2 का एवरेज ही तो क्या है, G1 का और G2 का एवरेज ही तो हमारे पास क्या है, G है। G1 का और G2 का हमारे पास एवरेज ही तो है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसका मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसका मध्य बिंदु है। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास ही एक तो ये भुजा A है और दूसरी भुजा बिल्कुल छोटी सी है, मैं मार्कर छुपाता हूँ पीछे, दूसरी भुजा इतनी सी है, तो इनका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2। अरे देखो ध्यान से देखो, ये इतनी है, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 है, ये इतना सा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2 है। अब इसका एवरेज वजन हमारे पास कहाँ आएगा, बीच में तो नहीं आएगा, लगभग इस प्रकार से आएगा, कोई ना कोई एक फिक्स रेशियो होगा, मानना वो अनुपात एम1 और एम2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें G के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें G1 और G2 के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, हमें G के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए G1 और G2 के कोऑर्डिनेट, एक तो G1 का कोऑर्डिनेट निकालना होगा और एक हमें G2 का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ G1 का कोऑर्डिनेट क्या है एंड G2 का कोऑर्डिनेट क्या है, एंड G2 का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है भाई। अब अपने को क्या निकालना है, G1 का कोऑर्डिनेट और G2 का कोऑर्डिनेट, बड़े ही ध्यान से देखिए यहाँ हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बिल्कुल रटना नहीं है, वापस आ जाओ स्टार्टिंग की कंडीशन के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास बेंट लीवर ऐसे था, ये भुजा O और ये इसकी भुजा A, ठीक है, ये भुजा O ये भुजा A, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये इसकी भुजा जा रही थी B, ध्यान से देखो ये इसकी भुजा जा रही थी B, अब हमने इसको ऐसे लटका दिया तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। बताइए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, G1 है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, G1 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, a बाई टू,
देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारे पास कितनी है, a बाई टू। अब बताइए कोई भी कोऑर्डिनेट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, हेलो, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y का कोऑर्डिनेट है जीरो, y का कोऑर्डिनेट है जीरो। कितनी दूरी के ऊपर है, a बाई टू के ऊपर, तो ये इसका निर्देशांक कितने आ गए, a बाई टू जीरो। अगर आपका 11th 12th में कभी आपका 2D अच्छे से पढ़ा हुआ तो, अरे भाई x एक्सिस के ऊपर ये रखा हुआ, देखो ये x एक्सिस के ऊपर रखा हुआ तो y कोऑर्डिनेट जीरो, कितनी दूरी के ऊपर है, a बाई टू के ऊपर। तो g1 के कोऑर्डिनेट तो मिल गए मेरे पास है a बाई टू एंड जीरो, ठीक है। ये बेंट लीवर इधर रखा हुआ, ध्यान दीजिए ये इसका जो दूसरा वाला बेंट लीवर है ये वाई अक्ष के ऊपर नहीं है। अगर वाई एक्स के ऊपर होता तो मैं एक्स को जीरो बोल देता, यहां बोल देता एक्स जीरो है, बट ये हमारे पास इधर है, ये जी टू हमारे पास है इधर, मान लो एक बार क्योंकि थोड़ा सा छोटा है ना, ये जी टू बेंट लीवर हमारे पास है इधर है, ठीक है भाई, ये जी टू बेंट लीवर हमारे पास इधर है। और ओ से लेके जी टू तक की दूरी कितनी है, बी बाई टू, ध्यान से देखो ओ से लेके जी टू तक की दूरी कितनी है, बी बाई टू। अगर मैं इसके जी टू से इस जी वन के ऊपर परपेंडिकुलर लंब डालूं इसे, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का। ध्यान दीजिए इनके दोनों के बीच में एंगल कितना है, एल्फा, इनके दोनों के बीच में एंगल कितना है, एल्फा। जैसे मैं इस बेंट लीवर के ऊपर, क्योंकि मेरे पास लीवर तो यही है, अरे लीवर तो यही है, यहाँ से मान लो मैं जो पॉइंट लूंगा इसका परपेंडिकुलर मैं इसी के ऊपर तो डालूंगा, इधर तो वाई एक्सिस है, तो चलो अब ये परपेंडिकुलर डाल दिया, अब इसको आप साइड में ले आइए, इसको आप एक बार ऐसे ले आइए, ये देखो ऐसे ऐसे ले आइए ताकि आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे जाए। ये हमारे पास 90 डिग्री का, ये हमारे पास एंगल एल्फा, और ये दूरी हमारे पास बी टू, ये दूरी हमारे पास है बी टू। अब देखिए जिस एंगल के ऊपर एक 90 डिग्री होता है एक ही होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b बाई टू कॉस एल्फा, और ये क्या हो जाएगा, b बाई टू साइन एल्फा। करके देख लो, करण स्क्वायर इज इक्वल टू, करके देखो एक मिनट, करण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वापस क्या आ जाएगा, ये बैलेंस आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास बी टू कोस एल्फा, देखो ध्यान से, अब मैं इसे वापस हटा रहा हूँ एक बार, कि ये डिस्टेंस तो क्या हो गई, बी टू कोस एल्फा, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास है बी टू साइन एल्फा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी, बी टू साइन एल्फा। करना क्या है हमें, इस जी टू का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बताइए एक्स डायरेक्शन की ओर कितना गए, चलिए एक्स डायरेक्शन की ओर बी बाई टू कोस एल्फा, एक्स डायरेक्शन की ओर कितना चले, बी बाई टू कोस एल्फा, फिर चलिए वाई डायरेक्शन की ओर चलिए, यहाँ से ये लो वाई डायरेक्शन की ओर चले बी बाई टू साइन एल्फा, y डायरेक्शन की ओर चले b बाई टू साइन एल्फा, यानी इस g2 का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, b2 cos एल्फा और b2 sin एल्फा, और ये आ गया हमारे पास है b बाई टू साइन एल्फा, ठीक है। तो ये था हमारे पास है b बाई टू साइन एल्फा और b बाई टू cos एल्फा। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो ये हमने G1 और G2 का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब हमने ये मान लिया कि अब ये जो G है इसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, तो मैंने एक बार X बार और Y बार मान लिया, मैंने इसके ऊपर बार इसलिए लगा दिया ताकि आपको पता चले कि इसका एवरेज ग्रेविटी निकाला है और X और Y में मैच ना हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर कि ये जो G है इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया एक्स बार और वाई बार, ये क्या है, विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बेंट लीवर, ऑफ द बेंट लीवर मतलब पूरे लीवर का हमारे पास ओरिजिनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, G, और इसकी जो दो भुजा थी हमारे पास, पहले वाले आर्म्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1, दूसरी वाले आर्म्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास है G2, ठीक है। तो ये हमने आप मान लिया बेंट लीवर है। अब अपने को G का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो ध्यान से देखो ये ऐसे है G2 G1, क्या ये आपको डायग्राम में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कि ये तो है हमारे पास है G2, ये तो है हमारे पास है G2, ये है हमारे पास है G1, और ये है हमारे पास है जी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास एक्स बार वाई बार, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, हमने एक बार वैसे टेम्परेरी माने हैं। जी वन कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है भाई, ए बाई टू और जीरो,
जी वन कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है ए बाई टू और जीरो, जी टू कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है बी बाई टू कोस एल्फा, बी बाई टू कोस एल्फा और बी बाई टू साइन एल्फा। यस, जी टू के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास बी बाई टू कोस एल्फा, बी बाई टू साइन एल्फा। जी वन के कोऑर्डिनेट क्या है ए बाई टू जीरो और जी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स बार और वाई बार है। तो ये कोऑर्डिनेट हमारे पास कब निकल के आया, जब हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला था। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये लो, ये यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए और ये भी यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम पूरा, ये हालांकि हम निकाल चुके हैं जी टू का, तो ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ मैं क्या लिखूँ जी से और जी टू के बीच में, देखो जी और जी टू के बीच में अभी एक फिक्स रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। मैंने मान लिया कि ये ए डब्ल्यू रेशियो है और ये हमारे पास बी डब्ल्यू है, ठीक है। ये हमने मान लिया ए डब्ल्यू है और ये हमने मान लिया बी डब्ल्यू है। ये रहा मेरे पास इसका भार वेट ए डब्ल्यू, ये रहा जी टू का भार बी डब्ल्यू, ओके। तो अब पहला सवाल तो ये आएगा कि सर ये डब्ल्यू क्या है, तो पहले तो इसको लिखो डब्ल्यू इज इक्वल टू, इस डायग्राम में यहाँ लिखो डब्ल्यू है हमारे पास विड्थ है रोड की, विड्थ ऑफ द रोड पर यूनिट ऑफ द लेंथ, पर यूनिट ऑफ द लेंथ ठीक है। डब्ल्यू हमारे पास क्या है विड्थ है पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड्स। अब ये आपको क्या करना है, ये बेंट लीवर की ये जो है इसे आप रोड मानोगे कि एक रोड तो ये है ए लंबाई की, एक रोड ये है बी लंबाई की। इसका हमने क्या ले लिया, इस रोड की चौड़ाई ले ली, इस रोड की हमने चौड़ाई ले ली। वैसे बर्थ को हमको बी से डिनोट करना चाहिए था, बट ए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में आ रहा है और बी हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में आ रहा है, इसलिए मैंने इसको हटा के स्मॉल डब्ल्यू ले लिया। तो पहले तो आपको ये देखना है कि मैंने ये ए डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू क्यों लिखी है, ठीक है, और ऐसे ही क्यों लिखे हैं। कोऑर्डिनेट तो समझ में आएगा ना, ये जी वन के कोऑर्डिनेट हैं, ये जी टू के कोऑर्डिनेट हैं। कर क्या रहे हैं आखिर, हमको ओजी निकालना है और ओजी निकालने से पहले हमें इस जी के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। एक बार तो हमने एक्स बार वाई बार मान लिया, बट हमें एक्स बार वाई बार की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो इसे बिल्कुल रिलैक्स होके समझो, आंसर आ जाएगा आपको, पता ही है छोटा ही है, एक बार समझने में टाइम लगेगा, दोबारा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दोबारा से करने बैठोगे तब, ठीक है। अब अपना काम क्या है इसके अंदर, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ए डब्ल्यू क्यों आया और बी डब्ल्यू क्यों आया। इसे आप ऐसे समझिए कि ये लो, ये रोड है हमारे पास, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इसका भार आ गया हमारे पास है एम जी। माना इस रोड का मास कितना है एम वन और जी, देखिए माना इस रोड का मास कितना है एम वन जी। तो इसका तो वेट आपने लिख देंगे सर, इसका वेट क्या आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। देखिए भार इसका कितना आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, या इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि मास इंटू ग्रेविटी और जी का मान कितना होता है भाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमारे पास मास क्या होता है, तो आपने यूनिट फोर्थ पढ़ के आए होंगे। देखो यूनिट फोर्थ सबसे पहले आपको इस पेपर में, डायनेमिक्स के पेपर में यूनिट फोर्थ ही करनी चाहिए। यूनिट फोर्थ में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर चेंज, मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास क्या होती है मास पर वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी हमारे पास क्या होती है मास पर वॉल्यूम, या मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जहां हमने इसको रो से डिनोट किया था डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या मैं इस मास की जगह ऐसे ले सकता हूं कि देखो घनत्व है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू, और ये वैल्यू फिक्स है मेरे पास 9.8, समझना, फिर ये भी बताऊंगा कैसे अपन क्यों लिखते हैं, ओके। अब वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू बार्थ इंटू हाइट, और ये 9.8 साथ साथ आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास बेंट लीवर है, एक रोड ऐसे ही है दूसरी स्केल भी ऐसे ही है। अब इसका डेंसिटी क्या है, तो हम मान के चलेंगे इसका डेंसिटी यूनिट है, तो हमने लिख दिया कि लेटे W इज इक्वल टू विड्थ, चौड़ाई भी हमारे पास क्या है रोड की पर यूनिट लेंथ है, और ये भी हमारे पास है लेंथ है। तो हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है किसकी, इस रोड की,
पूरे की लेंथ, क्योंकि इसी का तो भार निकलेगा, तो पूरी की लंबाई कितनी हो गई इसकी, ए हो गई। चौड़ाई कितनी हो गई इसकी, हमने डब्लू मान लिया भाई, चौड़ाई इसकी क्या है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, डब्लू मान लिया। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हमारे पास सैनिस को हमने मान लिया यूनिट वन, डेंसिटी को भी हमने मान लिया यूनिट वन, और इंटू में 9.8, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ए डब्लू इंटू जी, ए डब्लू इंटू जी लिखो या 9.8 लिखो। तो इसीलिए मैंने इस रोड का वेट क्या लिख दिया है, टोटल इसकी लेंथ कितनी है, टोटल ए, चौड़ाई इसकी हमने मान ली W, तो ये आ गया A इंटू डब्लू, और लिखना चाहिए मेरे को इंटू में G, ये हम लास्ट में काट के बताएंगे कि मैंने क्यों नहीं लिखा। तो आपको एक बार, क्योंकि G कांस्टेंट है, आप एक बार मान के चलेंगे, नियतांक को हम नहीं लिखेंगे, तो ये आ गया ए डब्लू। ठीक इसी प्रकार इसके लिए क्या जाएगा, बी डब्लू। अब दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल का एवरेज निकालेंगे, तो इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, टोटल लेंथ कितनी हो गई, ए प्लस बी, पर देखो चौड़ाई तो दोनों की सेम ही है, तो हमारे पास क्या आ गई, ए प्लस बी इंटू डब्लू। तो एक तो मेरे पास ये कारण था, ए प्लस बी इंटू डब्लू लिखने का, या ए डब्लू लिखने का, या बी डब्लू लिखने का। अब दूसरा सवाल है कि मैंने यहाँ ऐसे क्यों लिखा, ठीक है। अब ये जी इसके साथ है, इनके साथ जी है, इसको हम काट के दिखाएंगे लास्ट में आपको कि यहाँ जी हमने क्यों नहीं लिखा। तो ये हमने इस मास को चेंज कर दिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। अब आप सोचोगे कि सर आज इससे पहले वाले एग्जांपल में तो हमने नहीं लगाई, हमने तो mg लेके चल रहे थे, यहाँ अचानक से क्या जरूरत पड़ गई। तो ध्यान देना, यहाँ बेंट लीवर है, इसका मास अलग है, इसका वेट अलग है, इसका मास अलग है, इसका वेट अलग है, फिर टोटल का एवरेज अलग है। तो अपने को पता है, जैसे ये हमारे पास है बेंट लीवर का, एक रोड का पता चल जाए, तो हमें ये पता है इस रोड की लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो हम इसके भार के बराबर निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी का प्रयोग जो सरिये वगैरह आते हैं ना, TMT के सरिये बोलते हैं इसको, अपन मकान वगैरह बनाते हैं लंटर वगैरह में जो सरिये आते हैं, आपने कभी सोचा है उनका वजन कैसे निकाला जाता है, उनका वजन डेंसिटी देख के निकाला जाता है, क्योंकि आप देखेंगे इतने बहुत लंबे सरिये निकल के आते हैं, एक बड़े वाले कंटेनर से भी ज़्यादा लटक के बाहर आते हैं, तो उनको कभी कांटा पर नहीं तोला जाता है ना, धर्म काटा सुना होगा ना, उसके ऊपर नहीं तोला जाता उन सरियों को, उसकी लेंथ ली जाती है, फिर वो कितना mm का, नॉर्मली हमारे पास 2.5 mm से 7.5 माइक्रो मिलीलीटर में इसको मापा जाता है। तो TMT सरिये को मापने का तरीका ये, इसका लेंथ कितना है, फिर इसकी हाइट कितनी है, और उसकी डेंसिटी, यहाँ तो हमारे पास डेंसिटी नहीं है, वहाँ उसका डेंसिटी देख के, और ये इससे फॉर्मूला होता है D2/54 का भाग देके, और उस सरिये का वेट निकाला जाता है, ठीक है। तो कभी भी जब अपने लंटर वगैरह के सरिये जाते हैं, उनका तोल के वजन नहीं निकाला जाता, उनका इसकी लेंथ के ऊपर और इसकी विड्थ के ऊपर और इसकी डेंसिटी के अनुसार ही वजन निकाला जाता है, तो उसको वहाँ काम में लेते हैं। अब देखो वापिस ये समझो कि मैंने यहाँ ए डब्ल्यू क्यों लिखा और यहाँ बी डब्ल्यू क्यों लिखा, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ को वापिस बनाऊँ तो ये ऐसे हैं, ये ओ है, ये मान के चलो इसका G1 है, ये छोटा सा मान के चलो, ये इसका G2 है और ये इसका G है, ये इसका G है, ये कुछ मेरे पास इस प्रकार से, इसका वजन लटक रहा है AW और इसका वेट कम है BW, ध्यान से देखना, इसका वेट है AW ज़्यादा और इसका वेट है BW। अब ये साथ साथ क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, अरे ये हमारे पास इस फलक्रम के ऊपर रखा हुआ ये सिस्टम, जैसे ये ओसिलेट करके आएगा ये उल्टा दिखाई देगा, ओसिलेट करके आएगा तो ये A2 वजन इधर ज़्यादा, ये इधर ज़्यादा होगा और ये हल्का सा ऊपर जाएगा, तो ये ज़्यादा जाएगा। वैसे तो हमारे पास इसकी साइड में क्या होना चाहिए था, G और G1 के बीच में AW, बट इसका वेट इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो ये तो आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा हमारे पास BW इधर, ठीक है। नहीं समझ में आए तो इसे एक बार याद रख लेना कि हमारे पास AW और BW है। वैसे ये हमारे पास पड़ा हुआ होगा, पड़ावा का तो नाम ले वाले लो, पड़ावा तो आपका नहीं है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए, 11th क्लास का डिस्टेंस फॉर्मूला भाई बीच में आ रहा है, तो इसे एक बार आपको मान के ही चलना पड़ेगा, X2 और Y2, ये बीच में इसका C है, X और Y, ये हमें पढ़ा हुआ है कि ये M1 और M2 अनुपात में अंतर विभाजित करते हैं, बाह्य विभाजित करते हैं, तब इस सी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 प्लस M2 इंटू X1 अपॉन M1 प्लस M2,
याद आ रहा है कि कुछ y इज इक्वल टू एम वन इंटू वाई टू, एम वन इंटू वाई टू प्लस एम टू इंटू वाई वन प्लस एम टू इंटू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये इस प्रकार से ये इस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। तो यहाँ हमारे पास इनका जो रेशियो होगा वो भार का वजन के हिसाब से बताएंगे। अरे रेशियो तो निकालेंगे ना इसके वेट और इसके वेट के अकॉर्डिंग। आपको लगता है सर आपको यहाँ से लिखना चाहिए था कि एम वन और एम टू रेशियो के अनुपात में विभाजित करता है, बट हमारे पास इस रोड का क्या चल रहा है, वेट चल रहा है। तो हम हमारा जो रेशियो होगा वो किस आधार पर होगा, वजन के आधार पर या इसके वेट के आधार पर। तो ये हो गया हमारे पास ए डब्ल्यू और बी डब्ल्यू। तो लगाइए सबसे पहले इसका क्या जाएगा, एक्स बार, इसी डायग्राम के नीचे लिखना है भाई। सबसे पहले एक्स बार ये क्या जाएगा, ए डब्ल्यू इंटू ए बाई टू। देखिए ए डब्ल्यू इंटू ए बाई टू, देखिए एम वन इंटू एक्स वन, सॉरी देखिए एम वन इंटू एक्स टू, एम वन इंटू एक्स टू इसके साथ जाएगा। तो ये एम वन इंटू एक्स टू ठीक है, प्लस एम टू इंटू प्लस एम टू इंटू एक्स वन, और इसका क्या है बी बाई टू कोस एल्फा। इसका क्या है बी बाई टू कोस एल्फा। एक बार मैं यहाँ बना देता हूँ अच्छे से ताकि इसे आप ठीक ठीक समझ पाओ, क्योंकि इसमें रटने वाली कोई बातें नहीं होनी चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है, बाद में अपना पास आराम से क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। ये हमने जी टू माना है बी बाई टू कोस एल्फा, बी बाई टू साइन एल्फा, ये तो है हमारे पास है जी टू ठीक है, ये है हमारे पास है जी वन जिसके कोऑर्डिनेट हैं ए बाई टू जीरो, और ये हमने माना है एवरेज हमारे पास है जी जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स बार और वाई बार। ये वजन आ गया हमारे पास बी डब्ल्यू और ये वजन आ गया हमारे पास है ए डब्ल्यू। आपको पहली नज़र में ऐसे ही लगेगा, देखो आपको पहली नज़र में ऐसे लगेगा जी वन वाले का भार कितना है ए डब्ल्यू पर, ध्यान देना ये ज़्यादा है तो ए डब्ल्यू रेशियो इधर आ जाएगा और बी डब्ल्यू इधर आ जाएगा ठीक है। अगर आप इसे पहले जी वन लिखते हैं इधर कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं पहले जी वन फिर जी और फिर जी टू, तो जी से जी वन के बीच में कौन है बी डब्ल्यू इधर आ जाएगा और ए डब्ल्यू इधर आ जाएगा, ये आपकी मर्जी ओके। तो अब हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, अब इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो वो आप इसके आइडिया से लगाइए x2 y2 और ये m1 और ये m2 और ये xy, पॉइंट वगैरह नाम नहीं देंगे। तो x कितना आ जाता है हमारे पास m1 इंटू एक्स टू, एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, पहले तो x निकालिए। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है ये m1, देखिए ये m1 और ये वाला जस्ट मतलब जस्ट इसके आगे वाला x2, तो ये आ जाएगा हमारे पास m1 इंटू एक्स टू प्लस ये m2 इंटू एक्स वन इंटू एक्स वन अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक इसी प्रकार y के लिए कितना आ जाएगा, x की जगह y रख दो। इसी प्रकार y के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास है x की जगह y रख दो। तो हमारे पास y बार कितना आ जाएगा, y बार कितना आ जाएगा m1 इंटू एक्स टू या m1 इंटू वाई टू, वाई टू कितना है हमारे पास है जीरो है, प्लस m2 इंटू वाई वन, m2 इंटू वाई वन कितना है b बाई टू साइन एल्फा, b बाई टू साइन एल्फा अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट निकालिए कितनी देर हो गई हमें करते हुए, तो ये हमारे पास एक्स बार कोऑर्डिनेट आ गया, ये हमारे पास है वाई बार कोऑर्डिनेट आ गया। सो एक्स बार इज इक्वल टू कितना बचा, अब कॉमन लेके काट दो। देखो क्या मैं इसके अंदर डब्लू डब्लू कॉमन लेके नीचे से काट सकता हूँ, ध्यान देना मैं एक ही स्टेप में सारा काम करूँगा। तो ये हमारे पास है ये आ गया, देखो अब हमारे पास यहाँ से मैंने W कॉमन ले लिया, W कॉमन लिया और W कॉमन ले काटेंगे तो ये बचेगा A इंटू ए, देखो ये बच गया ए स्क्वायर बाई टू इंटू डब्ल्यू और ये बच गया बी स्क्वायर कॉस एल्फा इंटू डब्ल्यू बाई टू। क्या मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूँ कि वन बाई टू डब्ल्यू कॉमन ले लो, देखो ऊपर से कॉमन आ जाएगा W बाई टू,
तो ये बचेगा ए स्क्वायर, ये बचेगा बी स्क्वायर कॉस एल्फा, और नीचे से डब्लू कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा ए प्लस बी, डब्लू से डब्लू कैंसिल हो गया, तो ये बचा मेरे पास वन बाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एल्फा। एक्स बार कितना बचेगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस वन बाई टू और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एल्फा अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। एंड वाई बार इज इक्वल टू कितना बचेगा, तो यहाँ से देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा वन बाई टू, इसका डब्लू नीचे से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा बी स्क्वायर साइन एल्फा, ये बचेगा बी स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअली कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स बार आ गया और ये मेरे पास है वाई बार आ गया। अब ध्यान दो आप एक बात का, अगर मैं इसको, मैंने बताया था ना कि ये यहाँ हमारे पास जी से बी मल्टीप्लाई है, अगर मैं यहाँ जी से मल्टीप्लाई कर देता तो ये कितना आ जाता ए डब्लू जी, ये कितना आ जाता बी डब्लू जी, ए डब्लू जी बी डब्लू जी। तो बताओ यहाँ से जी कॉमन लेके नीचे वाले जी से काट देते ना, तो आनी बात वही है, क्योंकि डब्लू कॉमन आके कटेगा तो जी भी साथ आता, तो देखो जी डब्लू से जी डब्लू कैंसिल, इसलिए हमको यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं लगाया, क्योंकि हमें को पता है ग्रेविटी लास्ट में जी जाके कैंसिल हो जाएगा अब ऊपर नीचे करने से। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए भाई एक्स बार का, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया वाई बार का। ठीक है, तो इतना टाइम हो गया हमारे पास है एक जी का कोऑर्डिनेट निकालते निकालते, बस इसके अंदर ये था, मैं चाहता तो बिल्कुल सिंपली बता देता, अरे भाई देखो ये ए बाई टू जीरो होता है, इसका कोऑर्डिनेट बी बाई टू कोस एल्फा बी बाई टू साइन एल्फा होता है, ये हमारे पास ऐसे आएगा, बट ये कभी समझ में नहीं आते। ठीक है, तो अब आप लिख लो वापस, सो ऐसे डायग्राम ही बना लो, ये हमारे पास क्या है ओ, ये हमारे पास क्या है जी, इसकी लेंथ कितनी है एच, अब जी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास एक्स बार वाई बार, तो जी के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स बार वाई बार, तो ये कितना आ जाएगा वन बाई टू, थोड़ा छोटा बना लेता हूँ मैं, ये हमारे पास है जी, जी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारे पास है वन बाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एल्फा अपॉन ए प्लस बी, और वाई बार का कितना आ जाएगा वन बाई टू बी स्क्वायर साइन एल्फा बी स्क्वायर साइन एल्फा अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, और ओरिजिन का आपको पता ही है कितना होता है जीरो जीरो, ओ है हमारे पास ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है जीरो जीरो, टोटल हाइट कितनी है सॉरी डिस्टेंस कितनी है एच, तो आप बताइए सो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ये इंटू में है भाई, एक्स टू माइनस एक्स वन का एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बताइए जीरो है तो रूट से बाहर आके क्या बचेगा एच इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा ऐसा कैसा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एल्फा अपॉन ए प्लस बी, और देखो रूट से बाहर आएगा सॉरी रूट के अंदर ही आएगा बाहर नहीं आएगा भाई, रूट के अंदर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन है इसे आप सोल्व कर लो, और सॉल्यूशंस करने के बाद जो एच है उसे आप ही लिख दो। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एच इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर करो तो ये कितना हो जाएगा वन बाई फोर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कोस एल्फा का होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी इसका होल स्क्वायर कर दो वन बाई फोर बी की फोर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रफली कर लेना इसे। अब इसे मैं बाहर लेता हूँ तो ये आ जाएगा वन बाई टू और ये बाहर आके ए प्लस बी, और रूट के अंदर क्या बचेगा इसको साथ साथ ओपन करें ए की फोर बी की फोर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस एल्फा, ये बाहर आ गया प्लस बी की पावर फोर साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखो b की पावर 4 इसमें कॉमन ले लो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, तो मतलब कुल मिला के हमारे पास यहाँ से जो h की वैल्यू आई है वो अपन क्या निकाल चुके, तो ये हमारे पास h का रिक्वायर वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास इस h का क्या है रिक्वायरमेंट वैल्यू है, तो ये हमने निकाला h।
एच इज इक्वल टू आ गया रूट के अंदर, एच हमारे पास रूट के अंदर आ गया ए की पावर फोर प्लस, देखिए b की पावर 4 कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b की पावर 4 इंटू 1 1 आ जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस एल्फा, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस एल्फा, और नीचे क्या है 2 इंटू में a प्लस b, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, 2 इंटू a प्लस b। तो ये हमारे पास इतना सारा टाइम खा गया, इसका हाइट आते आते या इसके ओ से जी के बीच की दूरी एच आते आते क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला ही ये होता है के स्क्वायर अपॉन एच, के स्क्वायर अपॉन एच। तो चलो हमने एच तो निकाला, अब हमें क्या निकालना है, के निकालना है, और के आपको पता है क्या है, रेडियस ऑफ ए गायरेशंस। तो अब आप क्या बोलोगे, नाउ इफ, देखो अब अपन क्या बोलेंगे कि नाउ इफ स्मॉल के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, किसके अबाउट है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू ओ, क्योंकि किसके ऊपर रखा हुआ है, फलक्रम ओ के ऊपर रखा हुआ है, तो बोलेंगे थ्रू ओ देन, थ्रू ओ देन। अब हमें इसका निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशंस, तो इसका टोटल का वेट कितना है हमारे पास, एवरेज जी का वेट कितना आएगा, ए प्लस बी इंटू डब्लू, देखो ए प्लस बी इंटू डब्लू, और ध्यान दो एक्चुअली हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशंस अगर आपने पढ़ा होगा तो बीएससी फाइनल में ऐसे आता है कि आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहाँ m हमारे पास क्या होता है, मास होता है। आज हमारे पास बॉडी मास वेट की जगह क्या लेके चल रहे हैं हम, ये वाला ए डब्ल्यू या ये वाला बी डब्ल्यू, तो एवरेज के लिए कितना जाएगा, a प्लस बी इंटू डब्ल्यू। तो आप बोलोगे सो थ्रू इसके लिए कितना जाएगा, a प्लस बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू, और ये आ जाएगा स्मॉल के स्क्वायर, ठीक है, एम इंटू के स्क्वायर, और मास को हमने यहाँ वेट के तौर पे लिख दिया, इंटू में के स्क्वायर कर दिया। अब इसे अलग अलग करो तो ये हो जाएगा ए डब्ल्यू इंटू के स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू इंटू के स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास ए डब्ल्यू इंटू के स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू इंटू के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास इसके लिए रेडियस, देखो ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन है, चूँकि के का मान हमारे पास क्या होता है, यहाँ बोलेंगे कि चूंकि k स्क्वायर का मान होता है हमारे पास 4a स्क्वायर बाई 3, 4a स्क्वायर बाई 3, ठीक है, ऐसे कर लो 4a स्क्वायर बाई 3 सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो अपन बोलेंगे सो a प्लस बी इंटू डब्ल्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू ए डब्ल्यू इंटू, ये आ जाएगा 4 बाई 3 इंटू में होल स्क्वायर प्लस बी डब्ल्यू 4 बाई 3, ये मैं लिखवा चुका हूँ पीछे दो एग्जाम्पल में, इसका होल स्क्वायर होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मापा जाता है। बताइए इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी है, ओ से जीवन तक, देखिए ओ से जीवन तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी है, ए बाई 2, तो इसके लिए तो हम लिखेंगे ए बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की वैल्यू कितनी है, बी बाई 2, तो यहाँ हम लिखेंगे बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे रट के नहीं चलेगा कि देखो भाई के स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ऐसे होती है 4 ए स्क्वायर बाई 3, क्योंकि वहाँ वो रेडियस डिनोट करती थी। अब यहाँ भी देखो ये फलक्रम है, घूमेगा तो ये इसका बेंट लीवर का तो रेडियस ही होगा। अरे भाई ये मार्कर है, इसका टोटल लेंथ क्या है, ए, ये इसका क्या है, ए बाई 2, अब ये घूमेगा तो ये क्या होगा, इसका रेडियस तो ए बाई 2 ही होगा एक प्रकार से, और इस वाले बेंट लीवर की रोड के लिए क्या हो जाएगा, बी बाई 2, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू के स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, एक तो w कॉमन ले लो, ये बचेगा a, देखिए दो दुनी चार से चार कैंसिल, ये बचेगा a स्क्वायर बाई 3 प्लस बी डब्ल्यू, बारह आएगा चार से चार कैंसिल, ये बचेगा b स्क्वायर बाई 3, ये बचेगा b स्क्वायर बाई 3, स्मॉल डब्ल्यू से स्मॉल डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी इंटू के स्क्वायर, समझ गए ना, आपको इस प्रकार से रेडियस ऑफ ए गायरेशन निकालनी है। आगे एक दो एग्जांपल और करवाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच गया ए प्लस बी इंटू स्मॉल के स्क्वायर इज इक्वल टू ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपॉन 3,
ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अपॉन थ्री, या फिर इस ए प्लस बी को इधर ले जाइए, तो कुल मिला के हमारे पास ये ए प्लस बी इसके नीचे आ गया, यानी के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई। इसको अपन नाम देंगे इक्वेशन टू। इसको हम क्या नाम देंगे भाई, इक्वेशन टू। तो हमारे पास इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद हम कुछ निकाल पाए हैं कि ये हमारे पास एस की वैल्यू है और ये हमारे पास है स्मॉल के की वैल्यू है। अब निकालना क्या है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो आप बोलोगे हेन से लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ ए सिंपल